नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट लाइव और मुद्दा के संग के साथ स्टूडियो में मैं रंजीत। लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो चुका है, इनमें कुछ ढील दी गई है। लॉकडाउन से बिगड़ते हालातों को संभालने केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया है। इसका सूक्ष्म, लघु व मध्यम और बड़े उद्योगों को बड़ा फायदा मिलेगा। देश के उद्योग व्यापार में तेजी आएगी और अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा, लेकिन इसमें 6 से 9 माह तक का समय लगने का अनुमान लगाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने वर्तमान में उद्योग, कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देकर इनका उन्नयन करने भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव के प्रयास किए हैं। सरकार आर्थिक पैकेज की घोषणाओं की लगातार मॉनिटरिंग करती है तो सुदृढ़ स्वस्थ भारत की परिकल्पना भी साकार होगी। अर्थशास्त्रियों, उद्योगपतियों का भी यही मानना है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो ढांचागत विकास के मामले में फिसड्डी देश का यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों का पूरी तरह उपयोग करने में अब तक असमर्थ ही रहा है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सही मायने में सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना होगा। उपेक्षित कुटीर को पहचान दिलाने भी जरूरी है। प्रधानमंत्री लोकल फॉर वोकल की वकालत कर रहे हैं, कितना तैयार है देश आत्मनिर्भर बनने के लिए। इस मुद्दा पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रमन झा, कांग्रेस के प्रवक्ता है, राजकुमार शर्मा, भाजपा नेता है और कंपनी सेक्रेटरीज भी है, प्रमोद तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे, राम स्वरूप जोशी, फिनर के पूर्व अध्यक्ष है, हमारे साथ जुड़ गए हैं, और शुभजीत साहा, युवा उद्यमी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और कुछ ही देर में हमारे साथ अपूर्व कुमार दास, प्रिंसिपल रिजर्वर इंजीनियर, ये हमारे साथ जुड़ेंगे। कई देशों में तेल के क्षेत्र में काम करने का इनका अनुभव रहा है। कार्यक्रम को शुरू करें इससे पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहते हैं। डिब्रूगढ़ के सुखान पुखड़ी में पत्नी को गोली मारने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। संजय दास पूर्व SSB जवान है, जिसने रसोई में काम कर रही पत्नी स्वप्ना दास पर पास से गोली चलाई, जिससे उसकी मौत हो गई। पत्नी को गोली मारने के बाद पूर्व SSB जवान ने सोते हुए बेटे नवज्योति दास पर भी गोली चलाई, जिससे वो पूरी तरह जख्मी हो गया। वहीं इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद भागते समय संजय दास ने 76 वर्षीय मामा घनकांत दास के ऊपर भी गोलियां चलाई, जिससे वो भी घायल हो गया। फिलहाल दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पड़ोसियों का कहना है कि पूर्व SSB जवान संजय दास शराब का आदी था और जुए की लत की वजह से हमेशा चिढ़ा चिढ़ा रहता था। वहीं कुछ दिनों पहले ही जुए में वह अपनी गाड़ी भी हार गया था और अभी जो खबरें आई है 3 लोगों की इस घटना में मौत हो चुकी है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डिब्रूगढ़ से जुड़े हैं ऊपरी असम के हमारे ब्यूरो चीफ रिपुंजय दास। रिपुंजय, एक सनसनीखेज घटना है, ताज़ा हालात क्या है, ताज़ा अपडेट्स क्या है आपके पास? रंजीत, ताज़ा अपडेट यही है कि तीनों व्यक्तियों की जो इस गोलीबारी में शिकार हुए थे, तीनों व्यक्तियों की मौत हो गई है और ये एक बहुत ही सनसनीखेज घटना हुआ है। रंजीत, आज दिन दहाड़े ये किस तरीके का घटना एकाएक हो गया। आज यहाँ के प्रोसेस, पुलिस प्रशासन सभी लोग जब कोविड-19 सिचुएशन को लेके व्यस्त थे, तभी सभी को एकाएक हैरान कर दिया है। रंजीत, हम सीधा जुड़ना चाहेंगे उस समय, घटना के समय प्रत्यक्षदर्शी के रूप में वही समय थे उनके, जो संजय दास के जो बड़े भाई और उनके पत्नी। तो अपना की बुली কইছিলে তেখেতে ৰাতিপুৱাই আজি প্ৰথমে আপোনাক লগ পাইছিলোঁ মোক কৈছে কি বোলে হেৰি ককা কথা কৈছে উজ্জ্বল দাস আছে নাই এনেকৈ সুধিছে মই ক'লোঁ কি নাই হেৰি ডিউটিত গ'লে এনেকৈ ক'লোঁ ডিউটিত যোৱাৰ কাৰণে তেতিয়া কৈছে কি তাক নেপালোঁ নহয় আপোনাক মাৰিব আহিছোঁ আজি এনেকৈ বুলি কৈছে মোক ডাইৰেক্ট তেতিয়া কৈছে মই কেলেনো মাৰিবা তুমি এনেকৈ কৈছে কিবা পইচা চইচা লাগে নেকি তেতিয়া কৈছে একো নালাগে বোলে মোক 100 টকা এটা দিয়ক মই ক'লোঁ কি 100 টকা মোৰ লগত খুচুৰা পইচা নাই তুমি 40 টকা আছে লৈ লোৱা 40 টকাটো ল'লে লৈ পিনে সি ক'ত গ'ল নাজানো আকৌ আহিলে আহি পিনে তাৰপৰা বহিব কৈছোঁ আৰু বহা নাই সি থিয় হৈ আছে মানে থিয় হৈ কৈছে কি আপোনাক বোলে মই আজি বোলে উজ্জ্বলক নাপাওঁ কাৰণে আপোনাক মাৰিমেই আজি এনেকৈ কৈছে তেতিয়া আকৌ মই ক'লোঁ কি কেলেনো মাৰিব লৈছে এনেকৈ বুলি বাই বাই কৈছোঁ মই তেতিয়া কৈছে কি আজি আপোনাৰ ভগৱান ভাল কাৰণে আপোনাক নামাৰোঁ বোলে এনেকৈ বুলি কৈ পিনে মোৰ ওচৰৰ পৰা ওলাই গৈ তাত মানুহগৰাকীক ল'ৰাটোক আগে মাৰিছে তাৰপিছত মানুহগৰাকীক মাৰিছেগৈ তাৰপৰা তাক নেদেখিলোঁ আৰু আমি। सो रंजीत, आपने जैसा देखा कि पहला सीधा ब्यौरा, और ये हम इस वक्त उपस्थित है संजय दास के घर में, और ये दाहिनी तरफ उनका संजय दास जो कि एक एक्स SSB जवान थे, 7 साल पहले उन्होंने
वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था और उनके निकट वाला जो घर है सामने वाला वो उनके बड़े भाई का घर है। उनके बड़े भैया से तुरंत जानना चाह रहे तात्कालिक जो कि उस समय ख्वांग में थे अपने ड्यूटी में अपनी कौन अपनी की बुली गम पाले प्रथम मैं ड्यूटी कर मोर लड़ाटे फोन कर हताश मैं भेरी मैं सीरियसलि कंडिशन पापा मैंने मोर भाई मोर दादा तो मैंने वाइफक और खुरीक और मोर आम भाई भतीजा मार दिले गुली मार दिले मैं तैयार कलो इसलम इमिडियट 104 कर मेडिकल लै जाने के मैं फार्ष्ट एड तो मैंने तक इनफर्म दिल और गई पे मैं निजे आई और हताशजनक कथा मैं कि कम आने बेह लगिले आने खबर मैंने कि मोक घर पर फोन कैसे अपना एटेक कर वाइफी लहर अपनी मैं बेलेग लगर थी पे आको अपना एडमिनिस्ट्रेटर पर मैं पुलिस प्रशासने मोक एस कर तो रिपुंजय दास हमें सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे। पूर्व एसएसबी जवान ने गोलियां चलाई और इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है। बहुत ही दुखद घटना है और फरार एसएसबी जवान की तलाश की जा रही है। रिपुंजय दास सीधे जुड़े हुए थे उस घर से जहां यह वाकया हुआ है। अपडेट्स हम देते रहेंगे लेकिन हम मूल मुद्दे पर लौटते हैं। मुद्दा में आज हम चर्चा के लिए जमा हुए हैं। चर्चा में प्रधानमंत्री के आर्थिक पैकेज और पूर्वोत्तर भारत में इसके इम्प्लीमेंटेशन में किस तरह के चैलेंजेस आएंगे, खासकर सूक्ष्म एवं मध्यम और बड़े उद्योगों को किस तरह से फ़ायदा मिलने वाला है, क्या सरकारी प्रक्रिया अगर इसी तरह रही तो जो छोटे उद्यमी हैं, कुटीर उद्योग है और तमाम तरह के उद्योग जो रोजगार सृजन कर सकता है उस पर क्या किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि जो विशेषज्ञ है उनका कहना है कि 6 से 9 महीने तक लगेंगे इसके इम्प्लीमेंटेशन में। चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं राजकुमार शर्मा से। राजकुमार जी, आपने देखा कि प्रधानमंत्री के आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद लगातार 4 दिनों तक सीतारमन जो हमारे मंत्री हैं उन्होंने लगातार इसका डिवीजन करके बातें बताई, लेकिन जमीनी हकीकत जब हमने तलाशने की कोशिश की, हमारे साथ युवा उद्यमी शुभजीत साहा भी जुड़े हुए हैं, उद्यमी हैं और वो अपना व्यवसाय चलाते हैं, उन्हें किस तरह की इससे पहले भी समस्याओं का सामना करना पड़ा इस पर भी बात करेंगे, लेकिन खासकर अगर पूर्वोत्तर भारत की बात करें, चूंकि यहाँ पे आधारभूत ढांचे की काफ़ी कमी है अभी तक, कैसे देख रहे हैं पूरे आर्थिक पैकेज के इस्तेमाल का, हालांकि पैकेज नहीं कहेंगे, सरकार लोन देने की बात कर रही है। देखिए रंजीत जी, आप उसको एक सकारात्मक सोच को यदि नकारात्मक दृष्टि से देखेंगे तो उसमें आपको कमियां नजर आएंगी। बिल्कुल नकारात्मक दृष्टि नहीं है, सरकार पैसा दे रही है लेकिन आर्थिक मदद नहीं, लोन दे रही है। मैं आपको समझा दे रहा हूँ। पहले बात तो आपको जब अर्थनीति की बातें हैं तो मेरे को बोलने दे दीजिए। एक सकारात्मक सोच को लेकर सरकार आगे बढ़ी है। अब 2 तरीके से लोगों की मदद की जा सकती है। एक होता है कि डायरेक्ट बेनिफिट दे दे। ये जो पैकेज बनाया गया है इसमें गरीब आदमी, माइग्रेंट लेबरर्स, गांव के किसान, सेल्फ हेल्प ग्रुप और जो मध्यम मझोले उद्योग है उनको सबको सम्मिलित करके एक पैकेज बनाया गया है। अब लोगों की सोच है कि सरकार डायरेक्टली आपको पैसा दे देगी, आप खर्चा कर दोगे, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। जब देश की अर्थनीति की जब बात होती है, इकोनॉमिक ढांचा को जब इम्प्रूव करना होता है, उसको जब स्ट्रॉन्ग करना होता है तो यही तरीका अपनाया जाता है कि भाई हम आपको आपको बैंक से लोन लेने में हम सहायता कर देंगे, आपका बिजनेस करोगे। आप आसाम में 66,000 MSME उद्योग रजिस्टर्ड हुए हैं जी। आप सोचिए इसमें से काफ़ी लोगों को, मेरा खुद का भी एक इंडस्ट्री है MSME में, तो काफ़ी लोगों को इसमें बहुत फायदा मिलने वाला है। अब हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई 100 के 100% लोगों को ही फायदा मिल जाएगा, पर हाँ मैं ये मानता हूँ कि काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा। और जो पिछले 2-3 महीने से जो बिजनेस में एक स्लम आया हुआ था, ठीक है, पूरे आपको एक चीज़ माननी पड़ेगी, पूरे वर्ल्ड में आज के दिन में इकोनॉमिक क्राइसिस खाली इंडिया की नहीं, अमेरिका जैसा कंट्री भी टूट चुका है। तो हमें यह भी समझना पड़ेगा, जब पूरे विश्व में एक ऐसी आर्थिक स्थिति मंदी के दौर से पहले भी देश गुजर रहा था और कोरोना के कारण और ज़्यादा प्रेशर पड़ गया, इस बीच में जितना कुछ बंद पड़ता है उसको हमको एक सकारात्मक दृष्टि से लेना पड़ेगा, क्योंकि कमियां आप जो भी काम करेंगे उसमें कमियां तो रहेगी जी। इसमें तो आप अच्छा से अच्छा काम कर दो तो कमी, आप 2,000 रुपया दे दोगे तो बोलेंगे नहीं 3 मिलना चाहिए था, 3 दे दोगे तो बोलेंगे नहीं 5,000 रुपया देना चाहिए था, कमियां रहेगी। किंतु गवर्नमेंट की जो सोच है कि देश के जो आत्मनिर्भर भारत
अरे 70 सालों में सपना तो देखा ना आत्मनिर्भर भारत बनाने का, आज तक तो किसी भी सरकार ने ये सोचा ही नहीं था। मैं तो ये इसी चीज को बहुत पॉजिटिव मान रहा हूँ कि एक सरकार है जिसने सोचा तो सही कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, हम हमारे डिफेंस के इक्विपमेंट्स यहीं बनाएंगे, हम हमारे लोगों को मदद करके इंडस्ट्री को ग्रोथ करवाएंगे। तो ऐसी बात सकारात्मक दृष्टि से लीजिए, ये 100% नहीं, मैं बोलता हूँ 75% भी सफल हो जाता है तो आने वाले 3 सालों में देश का रूपरेखा बदल जाएगी, देश की अर्थनीति की तस्वीर बदल जाएगी। आप ये कह रहे हैं, और प्रमोद तिवारी जी कह रहे हैं कि 3 साल में देश की तस्वीर बदल जाएगी, ये बिल्कुल अच्छी बात है कि आत्मनिर्भर भारत की बात सोची गई है, हकीकत में आप इसको कहाँ देख रहे हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 2 है। 1990 के दशक में मनमोहन सिंह ने जो शुरू किया था ये भाग 2 है। ये एक बात ये सोशल मीडिया पे चल रही है, पहले तो उसको क्लियर कर दो कि सरकार लोन दे रही है, डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाना चाहिए जिनको मुफ्त चावल दिया जाना है, कितना मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा है वो एक अलग विषय है विमर्श का, किंतु जिनको मुफ्त अनाज दिया जाना है वो अनाज दिया जा रहा है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, उसमें श्रमिकों से भाड़ा नहीं लिया जा रहा, वहाँ भी लोग कन्फ्यूज करते हैं जो रेगुलर ट्रेन और श्रमिक विशेष ट्रेन। अभी भी सरकार ने कहा है कि आगामी 2 महीने तक ये योजना जो मुफ्त राशन देने की योजना चलती रहेगी, जारी रहने से उसे आगे बढ़ाया जाएगा। फर्ज कीजिए 20 लाख करोड़ रुपए को हम 135 करोड़ की जनसंख्या में डिवाइड करें तो 15,000 के आसपास, 15,000 के आसपास। अगर ये 15,000 रुपया करके देश के लोगों को हम ट्रांसफर कर देते, 2 महीने में खर्च करके उसको बराबर कर देते, आपकी इकोनॉमी की सेहत उससे नहीं सुधरती। एमएसएमई सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, रेहड़ी वाले हैं, स्पेस में है, इस डिफेंस इक्विपमेंट में सबने सरकार ने काम किया, किंतु मैं केवल 3 चीज़ों का जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। आज ये अलग बात है कि हमारी जीडीपी का 10-15% के बीच का कृषि से आता है, कृषि की आय से आता है, किंतु कृषि के ऊपर आज भी हमारी परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से देखें तो 45-50% जनता कृषि के ऊपर निर्भर है। कृषि क्षेत्र में जो 3 बातें सीतारमन ने कही, जो बंटवारे की बात कही 40,000 करोड़ यहाँ 2 लाख करोड़ यहाँ, उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा। उन्होंने 3 जो मूलभूत बातें कही थी, एक तो उन्होंने कहा था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात, एक उन्होंने कही थी कि ये जो मंडी के चंगुल में किसान फंसे हुए रहते हैं अब वो दूर हो जाएगा, और वन नेशन, कहीं भी आज हरियाणा का किसान उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का किसान राजस्थान में, जहाँ उसको उसकी उत्पाद की अच्छी लाग मिलेगी वहाँ जाकर वो अपना माल बेच सकता है। तीसरी सबसे बढ़िया बात उन्होंने कही, जो अगर इम्प्लीमेंट होती है तो और बढ़िया होगी, कि एसेंशियल कम्योडिटीज एक्ट, ये उस जमाने का कानून था जब देश में कोटा परमिट राज हुआ करता था, इसको इसमें संशोधन करने, मैं तो चाहता था कि अगर इसे रिपील ही कर दिया जाए तो कहीं और अच्छा होता। अगर इन तीन, अगर ये तीनों रिफॉर्म्स सरकार कर लेती है तो मैं समझता हूँ कि देश की कृषि का जो क्षेत्र है उसकी सूरत और सीरत दोनों बदलेगी। कृषि क्षेत्र पर आप देखिए, फिर से मैं एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, जीडीपी आती है 10-15%, निर्भर लोग है 45%, मतलब कि 20-30%, जिसको इकोनॉमी की भाषा में कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड, उनके पास दूसरा कोई काम नहीं है बोल के वो कृषि से जुड़े हुए हैं। कृषि क्षेत्र में जब ये परिवर्तन आएंगे, नए नए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू होगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बता देता हूँ क्या चीज़ है, जैसे समझिए कि कोई एक मल्टीनेशनल कंपनी या कोई आलू चिप्स बनाने वाली कंपनी देश के किसानों के पास गई, हमारे यहाँ बहुत फ्रेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो गया, एक गाँव में गई कि भाई हमें इतने एकड़ में आप आलू की हमारे लिए इस किस्म के आलू की इस की खेती हमारे लिए कीजिए, हम आपको इतना पैसे देंगे। किसानों ने खेती की, कोई बिचौलिया नहीं, डायरेक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग समवाय बना सकते हैं, कोऑपरेटिव बना सकते हैं, और कंपनी से वो पैसा लेने के जैसे हो गए। इससे कल भी मेरी एक किसान से बात हो रही थी, राजस्थान के किसान से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हमें टमाटर फेंकने पड़ रहे हैं, हमारे खारूपेटिया में बंधु है वो कहते हैं कि 1-2 रुपये मिलते हैं, गुवाहाटी में आते ही सरकारी दुकानों में 20, बाकी जगह 30, ये सारे बिचौलियों के कारण है। तो ये जो बिचौलियाँ खत्म होंगे कृषि से, तो किसानों की आय जो सरकार ने कहा था कि हम 2022 तक दुगुना कर देंगे वो तो संभव नहीं दिख रहा है, किंतु अगर ये सारे ईमानदारी से सारे रिफॉर्म्स लागू किए जाए तो आगामी दिनों में, आगामी वर्षों में किसानों की आय काफ़ी अच्छी हो सकती है। एक बात एमएसएमई में भी सरकार ने ये किया कि एक तो एमएसएमई का दायरा सरकार ने बढ़ा दिया है, 3 लाख करोड़ रुपये जहाँ तक मेरी जानकारी है, आंकड़े में भी जब विशेष नहीं जाएंगे, 3 लाख करोड़ का लोन बिना कोलेटरल सिक्योरिटीज के सरकार देने की बात कर रही है, और भी बहुत सी रियायतें दी गई है। पर पूर्वोत्तर के क्षेत्र में आपने विशेष रूप से पूर्वोत्तर की बात कही थी, सरकारी रियायतों का यहाँ हमारे जितना दुरुपयोग हुआ मैं समझता हूँ कि विश्व में शायद के कहीं नहीं हुआ, पूर्वोत्तर की बात कर रहा हूँ केवल असम की नहीं। इस बार फिर से जो 2007 या 2006 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी और एक नई जमात खड़ी हो गई थी सब्सिडी खोरों की, अगर इस बार फिर से उस तरह की जमात न खड़ी हो
जो सरकार की रियायतें हैं उनका बेनिफिट कंज्यूमर को ट्रांसफ़र हो तो ये सारा कुछ बहुत अच्छा है। एक उदाहरण देके समझाना चाहूँगा, बाहर से जो सीमेंट आती है उससे असम में बनने वाली, मेघालय में बनने वाली सीमेंट के दाम ज़्यादा है, जबकि उनको तमाम तरह की रियायतें मिलती हैं उन इंडस्ट्रियों को। बाहर से जो सतना से आती है या और कहीं से आती है उनका ट्रांसपोर्टेशन लगता है, वो ट्रांसपोर्टेशन देने के बाद भी 15 से 20 रुपये लोकल ब्रांड से कम है। बात सीधी सी है कि लोकल प्रोड्यूसर्स को, जबकि ऐसी बात भी नहीं है, इंडस्ट्री लगाने के लिए जरूरी होती है प्रॉक्सिमिटी टू रॉ मटेरियल, प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट। रॉ मटेरियल जिप्सम है, मैं सीमेंट की बात कर रहा हूँ, रॉ मटेरियल जिप्सम है, लाइमस्टोन है, कोयला है, सब लोकली अवेलेबल है, मार्केट भी उनके पास लोकली अवेलेबल है। तो इसलिए ये वो नहीं बोल सकते कि हमारे पास मार्केट नहीं है, हमको रॉ मटेरियल्स बाहर से लाना पड़ता है, किंतु फिर भी उनके दाम बाहर के प्रोडक्ट से ज़्यादा है। और जो कुछ उनको मिल रहा है वो कंज्यूमर को शिफ्ट करने की बजाय, ट्रांसफ़र करने की बजाय वो मुनाफाखोरी में लगे हुए हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर किसी भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी का कोई मतलब नहीं है, किसी भी सरकारी छूट का कोई मतलब नहीं है। कुल मिला के आप ये विथ क्वेश्चन, विथ क्वेश्चन, सरकार को जो पॉलिसीज लेके आई है, पॉलिसी बहुत अच्छी है, किंतु एग्जीक्यूशन के समय पर एग्जीक्यूशन पैरालिसिस हो जाती है। अगर सरकार ये सुनिश्चित कर ले कि एग्जीक्यूशन सही ढंग से होगा, तो मैं फिर रिपीट करता हूँ कि हमारे लिबरलाइजेशन या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का दौर नंबर दो शुरू हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत तभी संभव है अगर पॉलिसी के एग्जीक्यूशन में पूरी पारदर्शिता हो, और इसके लिए सर डिजिटल सिस्टम काफ़ी अहम भूमिका निभा सकता है। सुभजीत साहा, एमएसएमई सेक्टर से आते हैं आप, आपका अपना उद्योग है, सरकार लोन देने की बात कर रही है, मैं फिलहाल की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने जब शुरुआत की थी तो किस तरह की कठिनाइयों का सामना खास करके करना पड़ा था, खासकर बैंकिंग के क्षेत्र में, बैंक से जो भी काम होता था उसमें? देखिए, ऐसा है, बैंकिंग सेक्टर में तो एक प्रॉब्लम है ही, क्योंकि सबको लोन प्रॉपरली मिलता नहीं है, जाने के बाद में ये वो बात बोल के उनको टाल दिया जाता है। बट मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि सबके साथ ऐसा हुआ है, जैसे मेरा साथ ऐसा नहीं हुआ है। जब मैंने इंडस्ट्री स्टार्ट किया उस समय में हमें अच्छा लोन मिला, ठीक है, हम लोग ने किया उसको, लेकिन ज़्यादातर ये दिखाई दे रहा है कि ज़्यादातर जो नए एंटरप्रेनर्स आ रहे हैं, नए युवतियाँ आ रहे हैं, जो नए कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, वो जब बैंक में जाते हैं तो उनका बात उस हिसाब से लिया नहीं जाता है। उनको बोला जाता है कि आप अपना पास्ट रिकॉर्ड दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, लेकिन जो नए हैं उनके लिए पास्ट रिकॉर्ड क्या होगा, वो तो हो नहीं सकता है। उनके लिए कुछ ईजी प्रोसेस होना चाहिए। जो सेम चीज़ इस बार भी वो होने वाला है, हमको लगता है कि सरकार ने अभी 45 लाख एमएसएमई को बेनिफिट होगा बोला है, लेकिन बेनिफिट होगा उसमें भी जो बात उन्होंने बोला गया है, जो भी अभी तक जो भी इंस्ट्रक्शंस आया है, वो इंस्ट्रक्शंस में कुछ दिखाई दे रहा है कि उसमें कुछ कमियां है, वो क्लियर नहीं है। अभी भी ये बात हो रहा है कि सरकार ने स्ट्रेस्ड एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रखा है, उसका बाद में फिर एक पॉइंट में सरकार बोल रहा है कि जो भी 30 जनवरी से पहले किसी का भी अगर अकाउंट में कुछ बैलेंस है, कुछ आउटस्टैंडिंग है बैंक का साथ में, उनको वो बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। तो फिर स्ट्रेस्ड इकोनॉमी या स्ट्रेस्ड एमएससी क्या हुआ? बैंक में जाने के साथ साथ में बैंक मैनेजर या कोई भी बोलेगा कि भाई ये स्ट्रेस्ड इकोनॉमी में, स्ट्रेस्ड एमएससी में आप आ रहे हैं, आप इस दायरे में नहीं पड़ते, आपको हम लोन नहीं दे सकते, ये एक बात है। दूसरा एक चीज़ और दिखाई दे रहा है इसमें कि बैंक भी इससे हैप्पी नहीं है, क्योंकि सरकार ने इसमें डायरेक्ट गवर्नमेंट लोन नहीं बोला है, गवर्नमेंट का हेल्प नहीं बोला है, वो क्या किया है उसका साथ में CGTMSME को जोड़ दिया है। जैसे ही वो CGTMSME को जोड़ देता है तो उसमें क्या होता है, बैंक का 20% ही लॉस का रिस्क रहता है, ठीक है। ये चीज़ अभी क्लियर होना है कि नया जो गाइडलाइंस आता है उसमें क्या दिखता है, क्या आता है, तब हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली हमें क्या बेनिफिट। राजकुमार सर, दो बातों की रिप्लाई देना चाहूँगा। एक तो जो स्ट्रेस्ड एमएसएमई का जो बात कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट निर्मला जी ने बहुत क्लेरिफाई किया था कि जो इस पीरियड में जनवरी से लेकर जो एनपीए हो गए उनके लिए 20,000 करोड़ रुपये का अलग से फंडिंग किया गया, प्रोविजन किया गया है कि उनको हम एनपीए में नहीं करेंगे, उसकी फंडिंग वो करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, जो आप बोल रहे हैं कि ये CGT क्रेडिट गारंटी की जो बातें कर रहे हैं उसमें बैंक का, ये उसमें नहीं आ रहा, ये गवर्नमेंट बोली कि 100% गारंटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, इसीलिए बैंक को इसमें डरने की कोई बात नहीं थी। कोई बैंक वाला बोलता तो निर्मला जी का स्टेटमेंट सुना दीजिए। आप बोल रहे हैं बात, लेकिन इसमें आप देखिए कि जो भी अभी लोन प्रोसेस होगा वो अंडर गारंटी होगा। सर मैं तो करवाता हूँ,
आप लेते हैं ना तो हम तो ये काम ही करते हैं, आपको बता दूँ। ऐसी बात नहीं, आप भी कभी नए थे तब आपको फंडिंग की थी बैंक ने, बैंक फंडिंग करती है। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स लोग लेके चले जाते हैं जहाँ वायबिलिटी नज़र नहीं आती है, तो बैंक का अपना रिजर्वेशन होता है। पर ये जो एग्जिस्टिंग एमएसएमई की जो बातें कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल फंडिंग के, इसमें 100% गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ। जी ठीक है, हमारे साथ आर एस जोशी जुड़े हुए हैं, फिनर के पूर्व अध्यक्ष। जटिलताएँ होती है सरकारी प्रक्रिया में, कहते हैं कि फाइल मूव करने में बहुत समय लग जाता है, और हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि पूर्वोत्तर भारत में प्राकृतिक संसाधनों की भरमार होने के बावजूद भी यहाँ के संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है। बड़े इंडस्ट्रीज तो लगभग ना के बराबर है पूर्वोत्तर में, एक दो को छोड़ दे तो, लेकिन लघु कुटीर उद्योग के जरिए आत्मनिर्भर नॉर्थ ईस्ट तो कम से कम बन ही सकता है, क्या कहेंगे? मैं थोड़ा इजाज़त चाहूँगा कुछ इस आत्मनिर्भर भारत के लिए कुछ कहने की। देखिए, बहुत सुंदर परिकल्पना की गई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत अच्छा होमवर्क करके एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, जिसमें सभी वर्ग जो कंट्रीब्यूट करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनका सबका ख्याल रखा गया है। तो जहाँ तक ब्लूप्रिंट की सवाल है, ये एक बहुत अच्छा ब्लूप्रिंट है। मैं तो कभी सोचता हूँ कि भाई इस तरह का ये जो ब्लूप्रिंट है, इस तरह की परिकल्पना है, पहले क्यों नहीं हुई, हम क्यों कोविड का इंतज़ार करते रहे। ये जो सारी बातें हैं, इसका कोविड से संबंध नहीं है जी। इनकी अपनी मेरिट है, इनके अपने गुण है, ये सब जैसे इन्होंने कहा कि ये पार्ट टू है, तो ये 1991 के बाद में इतना समय लगने की, हालांकि देखिए रिफॉर्म एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, बहुत सारे रिफॉर्म हुए भी हैं, चलो देर आए दुरुस्त आए, एक बहुत अच्छी परिकल्पना है। पूरे देश की कहूँ और खासकर पूर्वोत्तर की, हमारे यहाँ देखिए पॉलिसी पहले भी आई है, अच्छी पॉलिसियाँ भी आई है, और जहाँ तक कुछ देखे ब्लैक शिप्स है वो खाली पूर्वोत्तर में नहीं है, सब जगह है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे तिवाड़ी जी ने कहा, अभी जो लास्ट के अंदर में जो हमारी पॉलिसी थी उसके अंदर में जो संशोधन करने के बाद में, मैं आपको बता देता हूँ, किसी अच्छे से अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी ये मुश्किल था कि उसको उसका दुरुपयोग कर ले क्या। हमने उसको इतना फुल प्रूफ बना दिया, हमने जैसे एक इंडस्ट्री बॉडी की तरफ से आके कि भाई आप ऐसे ऐसे कर लो, उसके बाद में इसके दुरुपयोग की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। उन्होंने जो सीमेंट वाली बात बताई वो एक अलग अलग चीज़ है, वो देखिए एमएसएमई नहीं है जी, वो एक बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, बड़े लोगों का एक वो, मैं उसके ऊपर मैं अभी चर्चा नहीं करना चाहूँगा। पॉलिसी चाहिए, अभी देखिए अब क्या सबसे बड़ी बात है क्रियान्वयन की, सारी चीज़ ले दे के पहले भी पॉलिसी थी लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन लेटर एंड स्प्रिट में पूर्वोत्तर के लिए जैसे दिया गया, तो पूर्वोत्तर को उसी चीज़ का क्रियान्वयन सही हिसाब से नहीं हो पाया, उसका सस्पेंशन हो गया, कुछ जैसे चली गई। अभी हम चाहते हैं कि क्रियान्वयन हो। अभी देखिए इतनी सुंदर चीज़ें हैं, अभी भी आज की डेट ये है, जैसे ये सब अनाउंस होने के बाद में आज फर्स्ट वर्किंग डे था, हमारे कुछ साथियों ने पूछा बैंक वगैरह से कि भाई हमको ऐसा ऐसा चाहिए, तो बोले अभी तक हमारे पास में कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आए हैं। तो देखिए एक घोषणा करनी एक अपने जगह अच्छी बात है, अभी एक दिन भी हम खोना नहीं चाहते। देखिए अब जो इतना टाइम हो गया उसको कहीं तो मेकअप करना पड़ेगा, अब मैं कैसे आगे जाऊँ, कैसे आगे बढ़ूँ। तो अब देखिए ये इंस्ट्रक्शन साथ साथ में वो मशीनरी जिसने इतनी अच्छी सुंदर परिकल्पना की, उसको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन करवाना है, वो अभी तक मैकेनिज्म इन प्लेस नहीं हुई है। नीचे बैंक वाला है वो भी डरता है कि कल मेरे साथ कुछ हो जाए और कुछ चीज़ें, तो देखिए सब चीज़ को करके एक स्मूथ गोइंग होना पड़ेगा। एक चीज़ मैं और कहूँगा, देखिए 2008 के अंदर में बहुत पूरे विश्व में मंदी आई थी, भारत शायद कुछ एक देशों में से था उसने उस मंदी का बहुत अच्छे से मैंने सामना किया। मैं उसको पॉलिटिकल रंग नहीं देना चाहता, आज बहुत अच्छे कर रहे हैं, कुछ कदम ऐसे भी थे। देखिए उसमें एक सिंगल कदम था, अक्रॉस द बोर्ड उन्होंने एक्साइज ड्यूटी को लगभग आधा कर दिया, अक्रॉस द बोर्ड, छोटे बड़े किसी को भी। उसका नतीजा यह हुआ कि डिमांड अचानक इतनी ज़्यादा बढ़ी, लोग बागों के पास में देखिए और तरह से उनको पैसा पहुंचाने की करने की व्यवस्था गई। डिमांड बढ़ने से क्या हुआ, इंडस्ट्रियां पूरे प्रोडक्शन में आ गई, सब अपने 100% कैपेसिटी पे चल रही हैं। अभी मान लीजिए कोई आदमी वापस, जैसे ये हमारे बंधु हैं एमएसएमई में काम कर रहे हैं, ये कल अपनी फैक्ट्री खोलें, तो उनके पास ऑर्डर तो होना पड़ेगा और चीज़ें होनी पड़ेगी, वो अगले 6 महीने की प्लानिंग करें। मैं एक निवेदन चाहता हूँ, और जब यहाँ पे हमारे राजकुमार जी वगैरह हैं, पॉलिटिकल फिगर हैं, कि देखिए अगले 6 महीने के लिए आप जीएसटी के अंदर में आपने इतनी बड़ी रिस्क ली है, मार्च का जो जीएसटी कलेक्शन था जैसे एवरेज 1,10,000-15,000 करोड़ होना चाहिए, उसकी जगह शायद 27,000-28,000 करोड़, मैंने रफली
25%, 75% का लॉस हुआ। और मेरे को लगता है अप्रैल में, चूंकि 2/3 मार्च खुला हुआ था, अप्रैल पूरा ही बंद था, इसका फिगर शायद बहुत ही नीचे जाएगा। तो जब आप ऑलमोस्ट 80-90% खो सकते हो जीएसटी कलेक्शन, तो आप 50% की रिस्क क्यों नहीं लेते? आप 6 महीने के लिए जीएसटी को अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो ऊपर के स्लैब का हो चाहे नीचे के स्लैब, आप देखिए इतनी ज़्यादा डिमांड आएगी, सप्लाई चेन को दुरुस्त करने में उतना समय नहीं लगेगा। तो ये कुछ एक बोल्ड डिसीजन और है, करीब करीब देखिए आपको इसके अंदर में 3,00,000 करोड़ रुपया का और एक पैकेज है, और वो आपको आपको वॉल्यूम से कंपनसेट हो जाएगा, ये पूरा विश्वास है। तो ये एक कदम उनको और उठाना चाहिए। देखिए चीज़ों को अफोर्डेबल बनाना पड़ेगा, लोग बाग उसको जब तक हम चीज़ों को आसान नहीं करेंगे तो इसके मूवमेंट में और क्रियान्वयन में काफ़ी समस्याएं आएंगी। हमारे साथ अपूर्व कुमार दास जुड़ चुके हैं, प्रिंसिपल रिजर्वर इंजीनियर, कई देशों में ऑयल सेक्टर में काम करने का इनका अनुभव है और भारत में भी ONGC के साथ ONGC में वो सर्विस कर चुके हैं। अपूर्व कुमार दास, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रिंसिपल रिजर्वर इंजीनियर है वे, कई देशों में काम करने का अनुभव रखते हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है अपूर्व। और हम आज चर्चा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, पूर्वोत्तर इसका कैसा लाभ ले सकता है, और पूर्वोत्तर में नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार होने के बावजूद भी, प्राकृतिक संसाधनों के भरमार के बावजूद भी, और मैन पावर यहाँ पे टेक्निकली साउंड मैन पावर होने के बावजूद भी इंडस्ट्रीज नहीं होने का खामियाजा कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर भारत उठा रहा है। सरकार की पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि आप काफी अनुभव रखते हैं इस क्षेत्र में? Presently, the mainly the two company in the working in the northeast, mainly the ONGC and the oil, the few private sector as well. But recently, the government of India they make some plan for the development of the marginal the oil field. So, if they give the better opportunity, so it will be good to discover the more oil as well as the produce the more oil from the our region. It will give the royalty and the praise to the our government as well as the opportunity to the our youngsters and the skilled labor to develop in our state. This is a very good opportunity. आप कह रहे हैं कि ऑयल सेक्टर और दूसरे क्षेत्रों में अगर यहाँ के युवाओं को लगाया जाए, लेकिन यहाँ पे तो इंडस्ट्रीज अभी है ही नहीं। और ये जो पैकेज की घोषणा की गई है केंद्र सरकार द्वारा, और उसको उसके क्रियान्वयन में लगभग 6 से 9 महीने और लगेंगे, ये एक अलग चैप्टर है। लेकिन हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका आज तक सही से उपयोग नहीं किया गया, या और कई सारे ऑयल फील्ड है जिसको प्राइवेट सेक्टर के हाथों में बेचने की बात भी कही गई है। ऑयल सेक्टर से ही क्या नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी को और बेहतर नहीं बनाया जा सकता? We have the more most of the fields are the marginal fields that are available in the northeast actually. The available manpower with the ONGC all India, it's very difficult to look after all the small the fields. Okay, so that's the main reason now that the government is looking to the private oil company, national and international oil company. So they come forward, they try to develop from the depth the field, so that we are the more the self-reliant from the energy point of the view, as well as we get the opportunity, the job opportunity, the local people. अपूर्व कुमार दास, आर एस जोशी जी आप सुन रहे थे उनको, ऑयल सेक्टर की बात कह रहे हैं और उस पर भी चर्चा करेंगे। रमन झा क्या कहेंगे, हमारे पास प्राकृतिक संसाधनों के भरमार के बावजूद भी और सब कुछ है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी कमी पहले से रही है, लेकिन पूर्वोत्तर का विकास कैसे होगा, आप क्या सोचते हैं? पॉलिटिकल लीडर हैं आप, उसको साइड में कीजिए थोड़ी देर के लिए, एक आम पूर्वोत्तरवासी के तौर पर देखिए। पूर्वोत्तर एक्चुअली सबसे पहले तो ये कहूँगा कि सरकार का जो 20,00,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज है, ये कर्जा पैकेज है। आप इन्होंने पहले कहा था कि राहत पैकेज, प्रधानमंत्री ने जब अपने उसे भाषण कर लीजिए या प्रधानमंत्री का जन की बात मन की बात कर लीजिए, जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि राहत पैकेज लेके आएंगे, लेकिन जब निर्मला सीतारमण जी ने जो अपना 5 दिन का एपिसोड चलाया
तो उन्होंने राहत को जो ये राहत पैकेज है उसका कर्जा पैकेज में बदल दिया है इसको। यानी कि ये जो आज जो ज़रूरत है लोगों को उसके बजाय आने वाले दिनों में उद्योगपतियों को किस तरह से फ़ायदा पहुंचाया जाए यह तो है, लेकिन जो गरीब ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है उससे आज गरीब की थाली में क्या जा रहा है या कुछ नहीं जा रहा है। आज गरीब का थाली खाली है, ये गरीब का थाली खाली है। कैसा खाली है? नहीं रुक जाइए, आप बोले, आप रुकिए, आप जब बोले आप क्या बकवास करते हैं, क्या बकवास कर रहे हैं आप, क्या बकवास कर रहे हैं आप, बोल रहे हैं बोला था क्या, आपको बोलने का तमीज नहीं है क्या, बोल रहे हैं बकवास कर रहे हैं आप, बोल रहे हैं तो तमीज से बात कीजिए आप। कैसे नहीं है, कैसे आप पांच किलो कितना राशन दिए हैं, पांच किलो राशन दिए, पर हेड दिए हैं, पर हेड दिए हैं पांच किलो, बताइए पर हेड पांच के जी जा रहे हैं, किसने दिए हैं, गांव में कहां दिए हैं, जानकारी अरे कहां दिए हैं बताइए ना, अरे पूरा देख लीजिए टीवी डेली दिखा रहा है आपका, पांच किलो चावल को परिवार को पांच किलो चावल दिए, पांच किलो चावल में दो महीना में खाता किसान। अभी दो दिन पहले राजीव प्रसाद रूजी जी ने क्या कहा था अभी एबीपी न्यूज पे आके कि 55,000 करोड़ नगद बांटा गया, 1,30,000 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में 55,000 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गरीब में 55,000 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, 500 रुपया भी आप गरीब को, गरीब के पैसे 500 रुपया दे रहे हैं। नहीं देखिए, जब सरकार की जान तब अगर आपने दिया है तो लोग नंगे पांव क्यों सड़क पे चल रहे हैं, क्या नंगे पांव सड़क किसके साथ, इसीलिए कांग्रेस का अध्यक्ष पकड़ा गया कल दिल्ली में। रमन जी और राजकुमार, हम चर्चा इस पे कर रहे हैं कि आर्थिक पैकेज से हम इकोनॉमी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज को कैसे मजबूत कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट कर सकते हैं, आर एस जोशी क्या इनके क्रियान्वयन से पूर्वोत्तर में सड़क पे बांस बेग की भरमार है, रेलवे लाइन पर चाय पत्ती, चाय उद्योग अच्छा खासा कर सकता है, राजनीति तो सुने इसमें नींद पालन और मैं थोड़ा सा एक बात जी बिल्कुल, मैं जब बोल रहे हैं कि सड़क पे घूम रहे हैं ठीक है, ठीक है, एक अगर सड़क पे लोग निकल के आगे ठीक है तो जो आज कांग्रेस लोग है या सुन लीजिए, सड़क पे लोग निकल के क्यों आया आपको बताइए ना, मेरा बात सुन लीजिए, वो लोग अगर निकल के आया कुछ उनको गलत इन्फॉर्मेशन मिला, गलत मैसेज मिला, वो निकल के आ गए तो ये दूसरा पार्टियों का भी तो ये देश तो सबका है ना, आपका भी है, बीजेपी का भी है, अदर्स सारे पार्टीज का है, तो आप लोगों ने निकल के आया क्या, इन लोगों को रोका है क्या कि नहीं आप लोग रोको, आप लोगों के लिए हम बस का ट्रेन का व्यवस्था करते हैं, आपका बात एकदम सहमत है, निकल के एक बार बताइए ये कोविड जैसा परिस्थिति में ऐसे सरकार ने आज तक सर्वदलीय बैठक बुलाया है क्या, आज इसके लिए अगर यह देश सबका है आज जो तो सरकार का दायित्व बनता है कि सर्वदलीय बैठक बुलाए, सुन लीजिए सब दल से राय विचार ले, जो ये मजदूर लोग जो बाहर निकल के आ गए, सुन लीजिए थोड़ा सुन लीजिए, ये जो मजदूर लोग आज बाहर निकल के आ गए, ये लोग घर जा रहा है, कोई बिहार जा रहा है, कोई यूपी जा रहा है, कोई आसाम जा रहा है, कोई बंगाल जा रहा है, सुन लीजिए आज आसाम, आज कोई भी आसाम आ रहा है, तो आज जो मतलब प्रधानमंत्री ने ये स्कीम लॉन्च किया है किसके लिए, एमएसएमई के लिए, एमएसएमई को पैसा मिलेगा, लेकिन एमएसएमई चलेगा कैसे, वो मजदूर आप लोग उन लोगों को रोकेंगे नहीं, वो जगह पे रहेगा रहेगा आप लोगों के लिए चाइना से माल खरीदना पड़ेगा, आपसे सीधा सवाल है, आप एमएसएमई के ओनर हैं? हाँ जी है, ठीक है, आपके पास एमएसएमई का ओनर नहीं है, क्या है आप उद्योगपति हैं? मैं आप यहाँ कितना लेबर काम करता है? मेरा यहाँ जितना भी लेबर काम करता है, आप मैंने जो बात बोला लेबर को शेल्टर दिया, वो तो आपने कितना लेबर को शेल्टर दिया कि आप लोग मत जाओ हमारे यहाँ रहो, यही आपको आसाम से कोई नहीं जा रहा, आसाम से कोई नहीं जा रहा, महाराष्ट्र से माइग्रेशन है कांग्रेस की सरकार है, दिल्ली से माइग्रेशन है आम आदमी, मध्य प्रदेश में लोग आ रहे हैं, हरियाणा के बाहर के लोग आ रहे हैं, हरियाणा में हरियाणा से माइग्रेशन नहीं है सर, मध्य प्रदेश के लोग बाहर काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश यूपी के लोग बाहर काम कर रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, जा नहीं रहा है, इनको जानकारी से जानकारी नहीं है, आपके पास मैं सभी गेस्ट से अनुरोध करता हूँ, आज की जो हमारी चर्चा है वो है आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद पूर्वोत्तर की तस्वीर कैसे बदल सकती है, प्राकृतिक संपदाओं जी हाँ एग्रीकल्चर सेक्टर पे आएंगे, प्राकृतिक संपदाओं का आज तक भरपूर उपयोग नहीं किया गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की काफी संभावना है, आर एस जोशी क्यों ऐसा हुआ कि पूर्वोत्तर भारत में आर्थिक विकास इंडस्ट्रीज के जरिए आपका प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, हम इस पर चर्चा करेंगे, रमन जी हमने काफी 40 दिनों में हमने यही चर्चा शर्म हो रहा है, जो प्रधानमंत्री को भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए वो प्रधानमंत्री आज सिर्फ भाजपा का प्रधानमंत्री बनकर आ गए हैं, इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा,
जो प्रवासी मजदूरों की बात है रमन जी, उसमें मैं चाहता हूँ कि सरकार, मेरी समझ ये है कि सरकार को उनकी समस्याओं को लेकर कहीं ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए था, पर बेनिफिट ऑफ डाउट देने का मन इसलिए करता है कि सरकार ने शायद सोचा होगा कि पहले लॉकडाउन के बाद में स्थितियां सामान्य हो जाएगी, तो उसने मजदूरों को अपने ही जगह पर रहने के लिए कहा। मजदूरों का पलायन भाजपा शासित राज्यों से भी हो रहा है, कांग्रेस शासित राज्यों से भी हो रहा है, भाजपा शासित राज्यों की ओर भी जा रहे हैं और कांग्रेस शासित राज्यों की तरफ भी जा रहे हैं। ये एक सर्वदेशीय समस्या है। मैंने पहले भी कहा था कि जैसे सरकार को थोड़ा सा और संजीदा होना पड़ेगा, संवेदनशील होना पड़ेगा, जिस तरह से हम लोग विदेशों से बंदे भारत मिशन के तहत लोगों को ला रहे हैं, सरकार को, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, सरकारों को ये भी समझना होगा कि जो लोग सड़क पर चल रहे हैं, बंदे भारत मिशन अपनी जगह ठीक है, पर जो सड़क पर चल रहे हैं वो भी भारत के ही बंदे हैं, उनके प्रति थोड़ा ज्यादा संवेदनशील होकर उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में भी सरकार को कदम उठाने चाहिए। और ये जो पैकेज उन्होंने निर्मला सीतारमण ने दिया है, उनमें प्रवासी मजदूरों के लिए भी प्रोविजन है। 50 दिन हो गए प्रवासी मजदूरों के लिए प्रोविजन है, लेकिन राज्य सरकारें खर्च करेगी, राज्य सरकारों को अमाउंट जाएगा, लेकिन जो सड़क पे जा रहे हैं उनकी मुश्किलों का त्वरित समाधान तो होना चाहिए था। कोई शक नहीं है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से भी कहीं ना कहीं चूक हुई है, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं, हमें कोविड के साथ जीना है और बहुत लंबे समय तक हम कोविड को लेके चलना पड़ेगा और हमें अपने आर्थिक व्यवस्था को भी सुधारनी होगी। इसके लिए सरकार ने चरणबद्ध तरीके से पैकेज की घोषणा की, किसानों के लिए भी घोषणा की गई। आप कुछ कहना चाह रहे हैं किसानों के? किसान भी कहूंगा कि आपने किसानों के लिए भी आर्थिक पैकेज, मैंने कर्ज पैकेज जो है, आर्थिक राहत को पैकेज तो नहीं है, किसानों को जो कर्ज पैकेज दिया गया है, ठीक है, किसानों को आप कह रहे हैं कि आप कर्जा लीजिए, आप स्टोरेज बनाइए, कोल्ड स्टोरेज बनाइए, वहाँ स्टोरिंग कीजिए आपका सब्जी को या फ्रिजेबल आइटम, नॉन फ्रिजेबल आइटम आप ओपन मार्केट दे रहे हैं किसानों को, ठीक है। आज किसान जब प्रोडक्शन जो करता है ना, आप छोटे किसान भी हमारे भारत में बहुत है, हमारे भारत में आपका 1000 एकड़, 2000 एकड़, 5000 एकड़ के किसान नहीं है, 5 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़ के खेती करने वाले भी किसान हैं जो अपने प्रोडक्ट को अपने पास के बाज़ार में ही बेचते हैं, वो उनके लिए बड़े बाज़ार ले जाना उनका कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाता है, वो नहीं जा पाएंगे। तो उसमें आपने जो कहा कि एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट में सुधार होना चाहिए, 2002 में भी जब वाजपेयी गवर्नमेंट थे तो उन्होंने एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट में सुधार किया था, एक ऐसा सुधार जिसके पास कालाबाजारी ज़्यादा बढ़ने का ऑप्शन आ गया, क्योंकि आज के डेट में ऐसा हो गया कि आप अपने प्रोडक्ट पे क्या प्रॉफिट ले रहे हैं उसकी कोई सीमा रेखा नहीं है। दूसरा चीज़ है कि किसान का एक मांग था, पुराना मांग है उनका, मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP, आपने किसान को तो MSP नहीं दिया, आप उन्हें प्रोडक्शन के लिए तो प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन अगर बाजार में दाम गिरता है आप बाहर से भी माल मंगा रहे हैं, जैसे अभी भी दूसरे देशों से हमारे यहाँ मटर दलहन हम इम्पोर्ट कर रहे हैं दूसरे देशों से, तो ऐसे स्थिति में अगर यहाँ बाजार गिरता है तो आप MSP देंगे किसानों को? आप MSP नहीं दे रहे हैं। फर्टिलाइजर पर आपने क्या सब्सिडी दिया जो था वो खत्म कर रहे हैं आप? पावर सेक्टर में किसानों को क्या सब्सिडी दे रहे हैं? वो तो कोई दे नहीं रहा। आप कर्ज लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और उनके लिए बाजार खोल रहे हैं। रंजीत जी मैं बता दूं, अर्थनीति में, इकोनॉमिक्स में ये जो 70 साल की नाकामी का ठीकरा, 70 साल का ही नाकामी है, जो साइकिल से आप छह साल के बीजेपी सरकार में राजकुमार जी अपूर्व कुमार दास काफी अनुभव रखते हैं ऑयल सेक्टर में, उन्होंने अलग अलग देशों में काम किया है। वो चाहते हैं, जब ये कार्यक्रम शुरू होने से पहले मैंने उनसे बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट के जो टैलेंट है वो दूसरे जगह में लगे हुए हैं, इस टैलेंट को कैसे नॉर्थ ईस्ट में, असम या नागालैंड या मणिपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट को एक एक खाके में रख कर कैसे इसका विकास किया जाए, क्योंकि हमारे पास नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग मंत्रालय भी है। बावजूद इसके डेवलपमेंट जिस तरह से होना चाहिए खासकर इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो नहीं हुआ है। अपूर्व सरकार को कैसी पॉलिसी लेनी चाहिए? एक तो करप्शन की वजह से
पहले की सरकार हो या अभी की सरकार, इसमें ये बाद में जरूर निकल के आएगा, लेकिन सरकार को किस तरह की पॉलिसी के साथ काम करना चाहिए कि यहाँ के जो यूथ है, टैलेंटेड यूथ है, टेक्निकली साउंड है, इनका इस्तेमाल यहाँ पे किया जा सके। I have experienced both in the national and the international market. So in all the international market also, in the oil companies, especially the Malaysia, as well as the Middle East countries, they prefer the local actually. They prefer around the 90% local employees. So similar type of the settings, government can apply in the India as well, especially the state. So working level manpower, in Assam or Northeast region, they will give the preference to the Northeast people. So the local guys, they should not go to the outside. They work in the Gujarat or the Maharashtra or something like that. So it will be a good opportunity to develop the industry as well as the job opportunity for the all the Northeast the people. अपूर्व कुमार दास, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपूर्व कुमार दास कह रहे थे कि यहाँ में इंडस्ट्रीज़ वगैरह को बढ़ाना चाहिए और एम्प्लॉय जो होंगे वो 70-80% शायद 90% भी कह रहे थे वो लोकल होने चाहिए। लोकल लोगों को जब काम में लगाया जाएगा, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी तो क्षेत्र का विकास बेहतर तरीके से होगा और एम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है उससे भी कुछ हद तक निजात पा सकेगी। हमें टेक्निकली साउंड लोग चाहिए होंगे बाहर से, लेकिन हमारे पास जो है उसका इस्तेमाल भी किया जाना चाहिए। आर एस जोशी जी, हम कार्यक्रम के आखिरी ओर बढ़ रहे हैं। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट में केंद्र सरकार की योजनाएँ क्यों फ्लॉप रही है आज तक, चाहे वो पूर्व की सरकार हो या अभी भाजपा की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, घोषणाएँ हो जाती है लेकिन कार्यक्षेत्र में वो दिखाई नहीं देती है। देखिए, पॉलिसी हमेशा अच्छी बनी केंद्र सरकार की, उनका क्रियान्वयन में बहुत दिक्कतें आई। और दूसरा क्या, जैसे अभी बहुत सुंदर परिकल्पना की है लेकिन जब ये आप ब्यूरोक्रेसी पे या किसी और पे छोड़ देते हो जी, तब उसके अंदर में इतने फुल स्टॉप कोमा लगा दिए जाते हैं कि उनका सरलीकरण नहीं हो पाता है। पूर्वोत्तर में हमें यही दुविधा रहती है। दूसरा, आपने पहले कहा भाई यहाँ के जो लोकल उद्योग है वो क्यों नहीं पनप पाए, क्यों नहीं अपनी पोटेंशियल जो है उसमें। देखिए, हमारा सबसे पुराना उद्योग रहा है चाय उद्योग और ये जो ऑयल सेक्टर। चाय उद्योग में सबसे बड़ी दिक्कत क्या रही, देखिए हमने समय के साथ परिवर्तन नहीं किया। आप अगर 1947 में देखो, कुछ बड़े बड़े नाम थे उद्योगपतियों के यहाँ पे, आज वो कहीं पे नहीं दिखते क्योंकि वो समय के साथ बदले नहीं। वो लाइसेंस राज में उन्होंने बहुत मजे किए और किए, उसके बाद में वो समय के साथ बदले नहीं तो वो खुद ही समाप्त हो गए। चाय उद्योग ने देखिए, जो उनको इन्वेस्टमेंट करना था उसकी क्वालिटी के लिए, वो उन्होंने नहीं किया। खाली जो बन रहा है, आ रहा है, इजी कोई में भी कहीं कमी रही, उसके अंदर में रही। दूसरी चीज क्या है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो सोशल कॉस्ट है उनकी चाय उद्योगों की, वो इतनी ज्यादा बढ़ गई और प्रोडक्टिविटी के साथ में उसका कोई लिंक नहीं रहा। तो अब अगर इसको, चाय उद्योग को अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड के हिसाब से इसको देखें कि ये कम्पिटिटिव होना पड़ेगा प्राइसिंग के हिसाब से भी और क्वालिटी के हिसाब से, तो हमको देखिए एक तो क्वालिटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो नई बुशिंग वगैरह है उसके अंदर में मैंडेटरी करना पड़ेगा चाय उद्योग के लिए कि भाई इतना परसेंट आपको करना ही पड़ेगा। दूसरा, उसके अंदर में जो ब्रांडिंग का है और सारा चीज़ है, एक तो इसके अंदर में, और एक चीज़ और, जैसे ऑयल सेक्टर के मैं बताता हूँ, दुर्भाग्यवश मेरे को गलत नहीं समझा जाए, जब भी यहाँ इस उद्योग इस क्षेत्र को खोलने की बातें हुई, कई लोगों ने इसका विरोध किया और खाली वो एक पब्लिक सेक्टर तक ही सीमित रहा। और यहाँ तक पब्लिक सेक्टर को भी पूरी छूट नहीं थी कि वो अपने अच्छे से उसको चला सकें, खोल सकें, कभी ये बंद कभी वो बंद। सौभाग्य से आज लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है, चीज़ें बहुत अच्छी है, सारा चीज़ है, ये सही समय है हम लोग इसको एक्सपेंशन में ले जाएं, ऑयल सेक्टर को, टी सेक्टर को, फॉरेस्ट्री को, एग्रो फॉरेस्ट्री को, और हमारे यहाँ जो एमएसएमई रीढ़ की हड्डी है जी। और दूसरा क्या, देखिए एक और हमको ध्यान रखना पड़ेगा, हमको केवल मेन स्ट्रीम के लिए प्रोडक्ट नहीं बनाना है, हमारे लिए अपने लिए बनाना है और अक्रॉस द बोर्ड जी, अक्रॉस द बोर्ड जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं वो हमारे ज़्यादा नज़दीक हैं देन हमारे दिल्ली के, तो हम लोग उनकी डिमांड को यहाँ पूर्ति कर पाएँ। काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, लेकिन शुरुआत अच्छे से करनी पड़ेगी। और दूसरा क्या, और ईमानदारी से करनी पड़ेगी। और सेकंड चीज़ देखिए, मैं चाहता हूँ कि लोगों का उसमें भागीदारी हो,
आप पॉलिसी लेके आए, अगर इंडस्ट्री से रिलेटेड पॉलिसी है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में आप इंडस्ट्री को शामिल करिए और उनको जवाबदेह बनाइए कि भाई क्या दिक्कत है, क्यों नहीं हो रहा है। वो आप खाली ऐसे लोगों पे छोड़ दोगे जिनका इंडस्ट्री से वैसे वर्चुअली कोई लेना देना नहीं है, तो वो काम नहीं आए भाई। दूसरा, हाथों आ देंगे, इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है उसको आप बजट के साथ साल भर बाद में एड्रेस करने से नहीं होगा, आपको डे टू डे करना, और आजकल हो रहा है उसी हिसाब से हमें अपने इस पूर्वोत्तर में भी, आसाम में भी करना पड़ेगा। एक चीज़ मैं और बताता हूँ, देखिए एक फील गुड फैक्टर होता है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें आसाम गवर्नमेंट में चाहूँगा राजकुमार जी उनको जो कन्वे करें, और वो भी उनको कन्वे करने से वो कन्विंस होंगे। अब देखिए यहाँ पे हर साल हमको एक शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट जो है उसमें रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना पड़ता है, लेबर लाइसेंस हर साल करवाना पड़ता है, ये तो कम से कम आप 10 साल के लिए और साथ में कर दीजिए। अभी इस पीरियड में आप हमको डायरेक्ट आर्थिक पैकेज नहीं दें इंडस्ट्री को, ये तो कर सकते हैं आपका जो लास्ट ईयर तक जो जो जिन जिनका रजिस्ट्रेशन था उनको अगले 5 साल तक वो ऑटोमेटिक उनको रिन्यूअल हो जाएगा। माने एक फील गुड फैक्टर आता ना, आप और जगह राशन दे दोगे, 5 किलो चावल दे दोगे, इंडस्ट्री को तो आप इस तरह नहीं दे सकते। जो लोन है उसकी सुविधा करवा दी, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये कुछ कुछ माहौल तो बनना चाहिए। हम लोग इस काम में तो फर्स्ट आ सकते हैं। हमारे यहाँ देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का हमने बहुत अच्छा प्रयास किया, मैं जिस एसोसिएशन से हूँ उनसे बहुत किया, ये टारगेट लिया कि आसाम विल बी अमंग्स 5 टॉप स्टेट्स इन द कंट्री। हम लोग आज 22वें-23वें स्थान पे हैं, तो क्यों 5वें स्थान में आने के लिए छोटी छोटी बातें, हर जगह पैसा नहीं लगती, माहौल का, एनवायरनमेंट का। जी बिल्कुल, छोटी छोटी बातें हैं और छोटे छोटे स्टेप। थोड़ा सा जी मैं आपके पास आऊँगा, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे स्टेप बहुत बड़ा परिवर्तन का बेस बनता है। अभी जो लोकल फॉर वोकल की बात कही जा रही है, कहना पड़ेगा समर्थन सभी कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके अपीयरेंस को देखें, वो आज जितने भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं लगभग सभी विदेश के ब्रांडेड चीज़ें हैं, क्या इसमें बदलाव की ज़रूरत नहीं? आप जब कहते हैं कि हमें स्थानीय चीज़ों का ब्रांड करना पड़ेगा, आर्थिक विकास के लिए ज़रूरी है, हमें स्थानीय प्रोडक्ट के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, उसको ब्रांडिंग करनी पड़ेगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा कहने वाले लोग अगर पहले खुद उसका इस्तेमाल करते हैं, क्या आप मेरे इस बात से सहमत है कि इसका इस्तेमाल पहले खुद करना होगा? नहीं देखिए, अभी आप एक बात सुनिए, बीजेपी सरकार आने के बाद खादी को बढ़ावा दिया, आज खादी कोई पहनता नहीं था, आज 6,000 करोड़ का टर्नओवर खादी का हुआ। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। बोल लेने दीजिए फिर। अब आपको एक पार्टिकुलर एक एग्जाम्पल का, क्योंकि अभी तो उपाय नहीं है, आज देश में इस बार पहले बार एक माहौल बना कि लोकल फॉर वोकल, हमको लोकल प्रोडक्ट यूज करना है। एक आंदोलन होगा, आपको बता दो बिल्कुल, आंदोलन चला था उसी प्रकार ये एक आंदोलन चलेगा कि नहीं हमें लोकल प्रोडक्ट को ही जोर देना है। और इसका देखिए ये सब चीज़ों का इम्पैक्ट आते आते साल, 2 साल, 3 साल लगता है, आप किसी की मेंटलिटी एक दिन में नहीं चेंज कर सकते। स्वच्छ भारत अभियान को आज 5 साल हो गया, आप लोगों के बीच में जागरूकता आई है, लोकल प्रोडक्ट के लिए भी लोगों को जागरूक बनाने के लिए समय लगेगा, किंतु मेरे को आशा है कि हम सफल जरूर होंगे। जी प्रमोद तिवारी जी, क्या आप इसे सहमत रखते हैं कि 1 साल लग जाएगा मानसिकता बदलने में? 1 साल नहीं, मतलब 2-3 साल लोकल के लिए तो देखिए मानसिकता ही है, क्योंकि आप ये तो कर नहीं सकते कि बाहर से जो चीज़ें आ रही है, आज ग्लोबलाइजेशन का युग है कि हम उसको रोक देंगे। कुछ संरक्षण दे सकते हैं स्थानीय उद्योगों को कि वो क्वालिटी के लेवल के ऊपर भी, प्राइसिंग के लेवल के ऊपर भी बाहर की चीज़ों से कम्पीट करने योग्य बने, तब हम लोकल के लिए वोकल हो सकते हैं। आत्मनिर्भरता एक दिन में नहीं आती है, आप मेरी हेयर कट देख कर समझ सकते हैं कि अगली 2-3 महीने में शायद इससे अच्छी हो जाएगी, खुद करी है तो टाइम लगता है, उसमें ट्रायल एंड एरर वाली बात है। दो ही बातें मेन है इसमें, एक तो आपको क्वालिटी और एक प्राइस जी। इंटरनेशनल जो बाज़ार से जो चीज़ें आ रही हैं उसके अगर आप बराबर रखेंगे तब आप लोगों को बोल सकते हैं कि आप लोकल के लिए वोकल बनिए। अगर हमारे पास आज मोबाइल, हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल में आज हम साउथ कोरिया से या फिर चाइना से कम्पीट करने की स्थिति में नहीं है, पहले हमें वो चीज़ें अपने यहाँ बनानी पड़ेगी जी। अब कोई भी अगर एंड्रॉयड मोबाइल साउथ कोरिया का लेकर वहाँ असेंबल इंडिया में हुआ होगा, मशीनरी सारी वहाँ से आई है, घूम रहा, तो उसको आप ये नहीं बोल सकते कि प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकल के लिए वोकल बनो, आप तो वोकल हो ही नहीं, साउथ कोरिया की चीज़ आप पहन के घूम रहे हो। वो एक आंदोलन के रूप में उसको लेना होगा। मैं राजकुमार जी से सहमत हूँ कि वो एक दिन में चेंज नहीं हो जाएगा। हम लोगों की थोड़ी सी मानसिकता बदल गई, अभी रामायण चली लोग परंपरा की बात करने लग गए, राम जी का जो वेशभूषा थी अगर सड़क पे निकल जाए लोग फोटो नहीं खींचने लग जाएंगे, वो तो हमारे आदर्श पुरुष है, प्रेरणा पुरुष है, हमारे देश के राष्ट्रीय नायक है, पर हर चीज़ें उस एंगल से नहीं देखी जाती, उस एंगल से उसको नहीं देखना चाहिए, हमें थोड़ा सा व्यवहारिक होना पड़ेगा कि आत्मनिर्भर भारत की बात है, पैकेज है, कम समय एक दिन में कुछ भी नहीं होगा। आपको मैं 30 सेकंड देता हूँ, व्यवहारिक होना पड़ेगा, क्या कहेंगे? देखिए आत्मनिर्भर भारत के लिए अच्छा है कि आप स्वदेशी पहने, महात्मा गांधी भी कहते थे
कि स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल हो, और उन्होंने स्वदेशी आंदोलन भी चलाया था। आज भी स्वदेशी हो, लेकिन आज क्या हो रहा है कि आप स्वदेशी के नाम पे, स्वदेशी के नाम पे जो अपना जो आपका पास जो है उसे भी आप बेच रहे हैं विदेशियों के हाथों या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए। आप निजी क्षेत्र में अपने उद्योगों को दे रहे हैं, आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भारत में लाकर विदेश पूंजी को भी लगा रहे हैं यहाँ के उद्योग में, और कह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत की सपना देख रहे हैं। तो आप भारत को आत्मनिर्भर नहीं, ब्रिटिश भी आए थे तो पहले उद्योग करने में व्यापार करने आए थे, उसके बाद उन्होंने भारत को गुलाम बनाया था, और आज आप फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम पर विदेश से पैसा मांग के विदेशी कंपनियों को भारत में बुला रहे हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आप भारत को किस तरफ ले जा रहे हैं? वो दौर दूसरा था, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। उस साल को भी याद रखिए और आज भी याद रखिए। रमन जी को याद नहीं है। मनमोहन सिंह जी ने जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तभी मार्केट को ओपन किया था, तभी जो एफडीआई का कांसेप्ट उन्होंने लाया, और सबसे पहले कंपनी जो बिकी थी ना भारत में, भारत संचार निगम लिमिटेड, वो मनमोहन सिंह जी ने बेची थी, और उन्होंने कोई गलत नहीं किया था। बिल्कुल, हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में है। आर एस जोशी जी, आखिरी अंग्रेजी में कहते हैं प्लान योर वर्क देन वर्क योर प्लान। हमने आधा काम कर लिया, प्लान योर वर्क, अब समय है कि वर्क योर प्लान उसको हम क्रियान्वित करें। सेकंड, मैं यहाँ के जो हमारे पूर्वोत्तर के भाई बहन हैं, जो भी हमारे वासिंदे हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि तकाजा है वक्त का, तूफानों से जूझो, कब तक चलोगे किनारे किनारे। देखिए ये टफ टाइम है, चीज़ें अब आपको खाली इजी गोइंग से नहीं होगा, हमें खड़ा होना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई 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 सॉफ्ट सॉफ्ट ऑप्शन नहीं है, हमारे सामने चुनौतियां हैं। और दूसरा, हम एक महामारी से जूझ रहे हैं, उद्योग महामारी से जूझ रहे हैं और इसके साथ हमें आगे बढ़ना होगा, लेकिन सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई है उसके क्रियान्वयन में पारदर्शिता बहुत जरूरी है, और ईमानदारी, अगर ईमानदारी से इसका क्रियान्वयन नहीं किया गया तो योजनाएं धरी की धरी रह जाएगी। मुद्दा में इतना ही, धन्यवाद।